बच्चों, आज का पाठ है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ की विशेषता बताते हैं। जैसे लता अच्छा गाती है, इसमें जो अच्छा शब्द है वह क्रिया विशेषण है। वह ऊपर गया है, ऊपर। दिवाली कल मनाई जाएगी, कल। यहाँ क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं। एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए पहले जाने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है कि वह काम किस तरह से किया गया है। उदाहरण देखें, वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इसमें ध्यान पूर्वक जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, जैसे धीरे धीरे, तेज, जैसे, अचानक, वैसे आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9 प्रकार के होते हैं। आइए जाने नंबर 1 विधिवाचक। विधिवाचक वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक और शीघ्र। दूसरा है निश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हम वाक्यों में इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जरूर, निसंदेह। तीसरा है अनिश्चयवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अक्सर, कदाचित, शायद, संभवतः। चौथा है हेतुवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतएव, इसलिए, किस लिए। पांचवा है निरोधवाचक। इन वाक्यों में हम नहीं, मत, ना, कभी नहीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक, कैसे, क्यों, क्या। स्वीकृतिवाचक, हाँ जी, सच, बिल्कुल ठीक। आठवां है अवधारणवाचक। इसमें शब्द के उदाहरण है भर, तक, मात्र। और नौवां है आकस्मिकतावाचक, अचानक, एकाएक, अकस्मात, सहसा। ये इसके उदाहरण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द कार्य के किस समय होने का बोध कराए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, माताजी अभी अभी आई हैं, मैं कल तुम्हारे घर गया था। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काल बिंदुवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अब, तक। दूसरा है अवधिवाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल, सदैव, रात भर, दिन भर। और तीसरा है बारंबारतावाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जैसे हर दिन, रोज, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान, दिशा का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, पिताजी अंदर बैठे हैं। इन वाक्यों में ऊपर और अंदर स्थान और दिशा के बारे में बता रहे हैं।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्थितिवाचक। इन वाक्यों में हम अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आसपास, आर पार, चारों ओर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, जहां, तहां। और दूसरा है दिशावाचक। इन वाक्यों में हम इन शब्दों का आमतौर पर प्रयोग करते हैं, आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, उतना खाना चाहिए जितना पच सके। इन वाक्यों में बिल्कुल, उतना, जितना, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये पांच प्रकार के होते हैं। एक है अधिकतावाचक, इसके उदाहरण है खूब, अत्यंत, अधिक। दूसरा है न्यूनतावाचक, इनके उदाहरण है कम, थोड़ा। तीसरा है पर्याप्तवाचक, और इसके उदाहरण है पर्याप्त या काफी। चौथा है तुलनावाचक, इनमें वाक्यों के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो है कितना, जितना। पांचवा है श्रेणीवाचक, इनके इस उदाहरण है बारी बारी से, कम से, थोड़ा थोड़ा। बच्चों, आज हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना। अगले अध्याय में काल और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। थैंक यू।